सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वॉटर ड्रैगन मोबाइल गेमिंग यूट्यूब चैनल। सो ये कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा चैनल हो गया था रिकवर, तो मैंने अपनी दूसरी वाली वीडियो भी इसी चैनल पर अपलोड कर दिया, तो तुम लोग जाके देख सकते हो। उसमें मैंने एक शिप रैक फाइंड किया है जो कि बहुत बड़ा शिप रैक है, और तुम लोगों को इस वीडियो में वो शिप रैक देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो केयरफुली देखना और लेट्स गो। और ये जो मैं विलेज फाइंड करने वाला हूँ यहाँ पर, वो विलेज भाई आई डोंट थिंक सो किसी ने फाइंड किया है, क्योंकि उसमें ब्लैक स्मिथ की जो चेस्ट है उसमें आपको डायमंड आइटम्स मिलेंगे। और इस बार जो मैंने लॉगिन किया था ना, इसमें सिर्फ डायमंड हॉर्स आर्मर था, बट जो आप री लॉगिन करके तो आपको डायमंड्स भी मिल सकते हैं। और तो और सबसे अच्छी बात भाई, उस विलेज से थोड़ी सी दूर पर एक और वायोम है, नई वाली वायोम, तो तुम लोग उसको भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत ईजीली। और तो और आई हैव मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइज, अगर तुम लोगों को विलेज चाहिए नई वायोम का अगर तुम लोगों को विलेज चाहिए तो कमेंट करो, मैं तुम्हें नई वायोम का नया विलेज ढूंढ कर दूंगा। और उसके विलेजर्स और भी ज़्यादा अजीब से दिखते हैं भाई उस वायोम के। माइनक्राफ्ट ट्रायल में तुम लोग को फाइंड करवाना हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं तुम लोग को फाइंड करके ज़रूर दूंगा। अगर तुम लोग कमेंट नहीं भी करोगे मैं तब भी करूंगा, तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 1.20 एक बहुत अमेजिंग अपडेट रहता अगर ये लोग सीड भी चेंज कर देते हमारी, तो क्योंकि एक सीड में खेलते खेलते हम सब बोर हो गए हैं, हमारे पास कंटेंट की कमी हो गई है। मीनवाइल यूट्यूबर्स हमारे पास कंटेंट की कमी है, नई कंटेंट के लिए छीना झपटी हो रही है, हर जगह मार तोड़ चल रही है भाई, ये मुझे चाहिए। और ऊपर से भी तीन भाई, सबसे अच्छी किस्मत मेरी है सारी यूट्यूबर्स में, यहाँ नया अपडेट निकला है और वहाँ मेरा चैनल टर्मिनेशन के लिए अप्लाई हो गया, मेरा फ़ोन हो गया मुझसे उसी टाइम पे रीसेट गुस्से में, मैंने किया था एक्चुअली। अब मेरा चैनल टर्मिनेशन पे भी जा चुका है और मेरा फ़ोन भी रीसेट हो चुका है। उसे वापस आने में अगर मैं बैक की अप्लाई भी करता हूँ तो 48 आवर्स लगेंगे। 48 आवर्स पता कितने होते हैं भाई, 2 दिन और 2 रातें मेरी वेस्ट जाएंगी। और ये सारी वीडियोस मैं रात में ही अपलोड कर रहा हूँ, इससे थोड़ी सी आवाज़ हल्की लग रही होगी कंपेयर टू लास्ट वीडियो, क्योंकि उस वीडियो में दिन था और मैं जितनी तेज चाहूँ उतनी तेज चीख सकता था, बट अभी नहीं चीख सकता क्योंकि अगर अभी मैंने चीखना शुरू किया तो पूरा मोहल्ला ही इकट्ठा हो जाएगा और कहेगा बेटे क्या हुआ हमें बता दो, हम सब्सक्राइब कर देते हैं चैनल, क्योंकि मेरे व्यूअर्स तो करेंगे नहीं, तो व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मेरा एक और बैकअप चैनल है उसको भी जाके सब्सक्राइब कर दो, उसकी कमेंट में लिंक पिन होगी, उसे भी सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरे इस चैनल को अगर कभी कुछ होता है तो वो चैनल बहुत ज़्यादा काम आएगा। इतना बोलते बोलते मुझे प्यास लग रही है, इसी सीमे से थोड़ा सा पानी उठा के पी लूँ। एंड वन मोर अमेजिंग थिंग, अगर तुम लोग थोड़ा सा इधर उधर यहाँ पे चलकर देखोगे जिन कोऑर्डिनेट्स पर अभी मैं हूँ, थोड़ा सा लेफ्ट साइड होगे देखोगे तो तुम लोगों को मिल जाएगा एक ओशन मॉन्यूमेंट। और अगर तुम लोग भी फाइंड करना चाहते हो ओशन मॉन्यूमेंट तो तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मेरी वीडियो में ही तुम्हें थोड़ा सा दाएं बाएं देखोगे तो मिल जाएगा ओशन मॉन्यूमेंट। तो इस वीडियो में देखा जाए तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड कर दी हैं, जैसे कि एक बड़ा शिप रैक, एक ओशन मॉन्यूमेंट, एक विलेज और एक नई वाली वायोम, इट्स मीन चेरी वायोम। यस इट्स चेरी वायोम भाई, चेरी वायोम में चेरीज तो होती नहीं है, तो वो किस बात की चेरी वायोम, ऊपर से इतना ऊपर है भाई, चढ़ने में पसीना निकल गया मेरा, क्या बताऊँ, बहुत दुख भरी कहानी है मेरी, तुम लोग मत जरूर हो जाओगे, रोना मत, सब्सक्राइब कर देना, हमदर्दी मैं मान लूँगा। सो गाइज आई थिंक हम लोग शिप रैक तक पहुँचने वाले हैं। यस वी आर वेरी क्लोज टू शिप रैक। लेट्स काउंट कब तक पहुंचते हैं, 1 2 3 4। ये थोड़ी सी चीटिंग थी, इग्नोर इट प्लीज गाइस, यू कैन अंडरस्टैंड मुझे दिन करना पड़ जाता है। तो 1 2 3 अरे आगे आ गया शिप रैक, आ गया, अरे वाह वो तुम लोगों को सामने शिप रैक दिख रहा होगा, मैंने इसमें थोड़ी लूट वूट भी मचाई थी, तो इसे इग्नोर करते हुए अभी हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया भाई ये शिप रैक। यस मुझे पसंद नहीं आया ये शिप रैक, सही बात है, लेट्स गो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये शिप रैक एक्चुअली मैं एक बार लूट चुका हूँ, ऊपर से ये शिप रैक काफ़ी बड़ा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसमें आपको नई लूट भी मिल जाएगी, जैसे कि ये या फिर और भी बहुत कुछ जो मैंने नहीं दिखाया है। क्या होगा भाई, देखो कितनी बड़ी शिप रैक है ये, ओके लेट्स सी इट, कितना बड़ा शिप रैक है भाई, अब तक किसी ने फाइंड नहीं किया होगा यूट्यूब पे, ये माइनक्राफ्ट ट्रायल में 1.20 में नहीं किया होगा, 19 में कर दिया होगा, 18 में भी कर दिया होगा, आई थिंक 19 में किया होगा क्योंकि ये सीड 19 में आई है, 18 में आई ही नहीं थी ये सीड,
अभी दो मेन अपडेट्स निकल चुके हैं पर इन हरामियों ने सीड अपडेट नहीं की है। सॉरी फॉर से हरामी, बट हरामी गाली नहीं होती बट कह भी सकते हो गाली है क्योंकि शुद्ध बच्चे नहीं बोलते, अच्छे बच्चे। ओके मैं यहाँ नीचे क्यों गया मुझे नहीं पता, बट मैंने ये वीडियो की जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट कर रखी है, जैसे तुम लोग को बहुत ईजिली मिल जाए विलेज। देखो मैं पानी में तो इजीली कोऑर्डिनेट्स दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, बट बाहर निकल के हो सकता है ना दिखाऊँ क्योंकि बाहर का जो रास्ता है वो एकदम क्लियर होगा भाई, उसमें क्या कोऑर्डिनेट्स देखोगे तुम लोग, उसमें तुम लोग रास्ता छापना, जो मैं रास्ता बताऊँ उस रास्ते पे चलना, मेरी बताई रास्ते पे चलोगे तो एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम्हें मिल जाएगा विलेज, माइनक्राफ्ट ट्रायल की ओनरशिप और भी बहुत कुछ। शायद वो मुझे ही नहीं मिली है अब तक, तो तुम लोग कहाँ से मिल जाएगी। Meanwhile, YouTubers. अच्छा रुको, मैं तुम लोग को एक टिप देता हूँ जिससे तुम लोग अमीर हो जाओगे। तो सबसे पहले तुम लोग को एक बैंक लूटनी है और बैंक लूट कर तुम लोगों को पुलिस से बचते हुए घर पे आ जाना है। अपने घर पे आके तुम्हें वो जो भी पैसा तुम लोगों ने बैंक से लूटा है उसे अपने आप से बांधना है और अपने आप को गोली मार लेनी है, जिसके बाद तुम लोग स्वर्ग चले जाओगे। और स्वर्ग जाने के बाद तुम्हारी पीठ से तो अभी भी बहुत सारा पैसा बंधा हुआ है, तो तुमने धरती पे तो इतने पाप किए हैं कि अब जो तुम लोगों को नर्क में ही डाला जाएगा। नर्क वाले को तुम, नर्क का जो मेन ओनर होगा उसे तुम थोड़ा सा पैसा खिला देना जो कि तुम बैंक से लूट कर लाए थे, उसके बाद तुम तो वो तुम्हें स्वर्ग भेज देगा और स्वर्ग में तुम लोग थोड़ी बातचीत बढ़ा के उन्हीं पैसों से यू नो दोबारा धरती पर आ सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, तुम्हारे पास एक नया जन्म है तो तुम्हें कोई ढूंढने का भी नहीं, ऊपर से तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है तो तुम लोग बन गए अमीर। ऐसी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब दोनों कर दो, फॉलो इंस्टा पे कर दो, यस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके इंस्टा पे भी फॉलो करो भाई। वैसे ये टिप्स बच्चों के लिए नहीं थी, ओनली 18+, क्योंकि 18+ वाले पागल नहीं होते। और एक्चुअली मैं ही नहीं हूँ 18+, तो बट 15+ वाले भी पागल नहीं होते, और मैं 15+ हूँ नहीं बट हो जाऊँगा, 15+ नहीं एक्चुअली 15 का ही हो जाऊँगा। ओके अब यहाँ से एकदम स्ट्रेट चलना था, पता नहीं मैं क्यों सामने जाने लगा था, एकदम मतलब सही चल रहा हूँ मैं अभी। ओके आई एम परफेक्ट बिकॉज आई एम परफेक्ट, यू नो माइनक्राफ्ट ट्रायल वाले बड़े हरामी हैं, इन लोगों ने सीट अपडेट नहीं की, मुझे बहुत गुस्सा आया, उसके बाद मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया, ब्ला 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 ब्ला। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, मेरी एक टांग निकली है, एक बार भाई को गुस्सा आया, उन्होंने मेरे पैर में एक डंडा मारा और मेरा पैर टूट गया। ओके सो बैक टू द टॉपिक, मैं ऑफ टॉपिक बहुत ज़्यादा जाता हूँ, ऊपर से मेरी वीडियोस इसी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, ऊपर से मुझे बहुत धीरे बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरे जस्ट पीछे कुछ लोग सोए हुए हैं, उन्हें सोने दो वरना जग गए तो मेरे माँ बाप को बता देंगे कि रात के 2 बजे उठ के तुम्हारा लौंडा ये काम कर रहा था। ओके लेट्स गो गाइस, ए बी को तुम लोगों को ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तुम लोग पहुँचने वाले होगे, ऊपर से स्पीड मैंने भाई इतनी कर रखी है तब भी तुम लोग अब तक पहुँचे नहीं हो, पता नहीं क्यों नहीं पहुँचे हो, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। गाइस माइनक्राफ्ट ट्रायल, अगर तुम लोग भी माइनक्राफ्ट ट्रायल के यूट्यूबर हो तो तुम लोग मुझे नीचे अपना इंस्टाग्राम दे सकते हो, मैं तुम लोग से बात कर लूँगा, और फिर मैं सोच रहा हूँ एक माइनक्राफ्ट ट्रायल में SMP बना लूँ। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि माइनक्राफ्ट ट्रायल में SMP कैसे बनेगी, तो माइनक्राफ्ट ट्रायल में SMP बनाने के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं किस लिए हूँ, मैं तो टिप्स एंड ट्रिक्स देने के लिए ही हूँ। और अगर तुम लोग एक नॉर्मल प्लेयर हो माइनक्राफ्ट ट्रायल के, बट तुम लोगों को भी माइनक्राफ्ट ट्रायल में SMP बनानी है, ज्वाइन करनी है, सर्वर बनाना है, उसे खेलना है अपने फ्रेंड्स के साथ, मल्टीप्लेयर करनी है माइनक्राफ्ट ट्रायल में, तो बहुत सारी वीडियोस हैं, एक भी रियल नहीं है, जो ट्रिक है वो सिर्फ मुझे पता है। तो अगर तुम लोगों को खेलना है मल्टीप्लेयर इन माइनक्राफ्ट ट्रायल या फिर सर्वर्स इन माइनक्राफ्ट ट्रायल, तो मैं हूँ ना, मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं किस लिए हूँ। इन शॉर्ट मैं वो सब कर सकता हूँ जो दूसरे यूट्यूबर सिर्फ बोलते हैं। यस आई एम द किंग। एक्चुअली ऐसा नहीं है, एक्चुअली काफ़ी सारे यूट्यूबर्स फेक नहीं हैं, कुछ यूट्यूबर्स फेक हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, ऑफ कोर्स नहीं लूँगा, कॉपीराइट मार देंगे साले। ओके ये गाली थी। लेट्स गो भाई, काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं जिन्हें मैं अच्छा मानता हूँ, जिन्हें मैंने सब्सक्राइब भी कर रखा है एक्चुअली, जिसमें से तुम ले लो वाटर ड्रैगन मोबाइल गेमिंग या फिर माइनक्राफ्ट एक्सबॉक्स। हाँ ये बंदा भी सही है, सही तो सबसे बड़ा यूट्यूबर है इस टाइम पे माइनक्राफ्ट ट्रायल का भाई। मैंने एक टाइम पे माइनक्राफ्ट ट्रायल छोड़ भी दिया था, रीस्टार्ट करता रहता हूँ मैं, बीच बीच में छोड़ देता हूँ, इन्जॉय करता हूँ भाई। ये गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं बड़ी लंबी, बच्चे हो जाते हैं बड़े बोर, वही वाला हिसाब मेरा चल रहा है, गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, माइनक्राफ्ट खेल के मैं अपना सारा टाइम निकाल रहा हूँ। अब ये जो बड़ा वाला ये है ना, यहीं पर साइड में आप लोग जब चलोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा एक विलेज, ये देखो
और ये जो विलेज है ना, अब मैं इसमें ब्लैक स्मिथ दिखा देता हूँ, ब्लैक स्मिथ की लूट भी दिखा देता हूँ। ये मैंने एक हेबेल ले लिया था, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने क्यों लिया था, बट मैंने ले लिया था। लेट्स गो, ये आ गया हमारा प्यारा ब्लैक स्मिथ। इसकी चेस्ट भी देख लेते हैं, लूट लेते हैं इसको पूरा, इसकी इज्जत भी लूट लेंगे।